हेलो स्टूडेंट्स सर, काफ़ी सारे बच्चों की ये क्वारी रहती है कि भैया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो कि एक काफ़ी अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी माना जाता है, उसमें हमें एडमिशन लेना है स्पेशली इन एमएससी कोर्स फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, क्योंकि वो जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज होता है काफ़ी सारे बच्चों का उसके अंदर रुझान रहता है कि भैया हमें जो है उसके अंदर एडमिशन चाहिए। तो भैया कितने मार्क्स पे जो है आपका एडमिशन हो जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंदर? तो इसके लिए पहले अपन चलते हैं CUET की वेबसाइट पे। ओके सो यार, ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और अपन देखने वाले हैं कितना क्या कट ऑफ आपके मार्क्स होने चाहिए कि आपका जो है इसके अंदर एडमिशन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके सो गाइस, जस्ट ये रही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की वेबसाइट। यार अगर अपन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी माना जाता है, ठीक है। तो आपको विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो कोर्सेज देगी CUET के जरिए, इंटीग्रेटेड MSc इन केमिस्ट्री, इसके अंदर आपका जो BSc और MSc दोनों जो है साथ में ही हो जाएगा। ओके तो इसके अंदर आपके पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ओके ये जो है कॉम्बिनेशन होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। ओके सो इस प्रकार से आप चूज कर सकते हो इनमें से, ठीक है। यानी कि बायो वाले बच्चे भी जा सकते हैं, मैथ वाले भी जा सकते हैं। उसके बाद है बायो केमिस्ट्री, तीन डोमेन आपके पास दिए गए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। ओके उसके बाद इंटीग्रेटेड MSc इन माइक्रोबायोलॉजी, जिसका फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। उसके बाद हमारा आता है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ये है जस्ट लाइक इसमें जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स है ये हो सकते हैं कॉम्बिनेशन में, आप ये मान सकते हो, ठीक है, सेम ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इंटीग्रेटेड MSc, ठीक है, इन बायोटेक्नोलॉजी और जस्ट लाइक इंटीग्रेटेड MSc इन फिजिक्स। ओके एंड उसके बाद हमारा आता है इंटीग्रेटेड MSc मैथमेटिक्स। उसके बाद हमारा इंटीग्रेटेड जस्ट लाइक MSc इन स्टेटिक्स। भैया स्टेटिक्स क्या होता है? तो यार स्टेटिक्स ना जस्ट लाइक ऐसे मान सकते हो कि इसमें आपको मैथ ही आएगा, ठीक है, मैथ ही समझ सकते हो आप, ठीक है, जो भी हमारे डेटा एनालिसिस वगैरह होते हैं। इंटीग्रेटेड MSc, ठीक है, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। काफ़ी बच्चों का इस कोर्स की ओर जस्ट लाइक मतलब काफ़ी डिमांड है इसकी, और इकोनॉमिक्स की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। इकोनॉमिक्स में सिर्फ आपको जनरल टेस्ट होना है और ये भी जनरल टेस्ट का कॉम्बिनेशन चाहिए इसमें, जस्ट लाइक क्या है लॉजिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। अब आपको यार कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे इसमें एडमिशन के लिए, देख सकते हो इसमें जो है आपको एक तो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स दिया है PCM या फिर PCB तो भी आपका नॉर्मली एडमिशन हो जाएगा। अब भैया कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एडमिशन के लिए? तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक सबसे अच्छी अपडेट बता देता हूँ, यार जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड है। अब अगर अपन CU राजस्थान की बात करें तो इसमें एडमिशन का दो सीन हो सकता है। एक तो ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर सकता है जिसमें कुछ चार्जेस लेता है, या फिर पहले इतने साल ये ऐसा करता था कि पहले ही पूरे सेमेस्टर की फ़ीस ले लेता था 10,000 के करीब और उसके बाद एडमिशन चलता रहता था। तो यार इसके रिगार्डिंग जो है मेरा CUET एडमिशन प्लान चलता रहता है, तो आप जो है उसमें इनरोल कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म दिया गया है, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो देन जो है फ़ोन सपोर्ट प्लान ले सकते हो। 24 hours फ़ोन सपोर्ट प्लान अवेलेबल है, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक हम जस्ट लाइक आपके साथ रहेंगे। इसके साथ ही हमारा एक मिशन गारंटेड एडमिशन प्रोग्राम चलता है, जिसके अंदर अगर आपका CUET में अगर किसी में भी टिल लास्ट राउंड तक होता है तो ठीक है, वरना काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं जहाँ पर अगर कोई एक दो सीट बाकी रहती है तो वहाँ पर भी हम आपका ट्राई करते हैं टू गेटिंग द एडमिशन। उस प्लान में अगर आपका एडमिशन नहीं होता है देन आपका जो है रिफंड भी जाता है हमारी टीम की तरफ से। ओके सो अब इन कोर्सेज के अंदर देखते हैं कि भैया आप किन बच्चों को अप्लाई करना चाहिए। तो यार वैसे तो इस बार जो है सब कुछ नया ही है, तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि आपके जितने भी मार्क्स आए आपको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अब अगर अपन बात करें एवर एंड एवरेज की, भैया जो तीन सब्जेक्ट दे सकते हो यहाँ पे मांग रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, तो हमारी जो नॉर्मलाइज मार्क्स में कितना होना चाहिए? तो यार आपके नॉर्मलाइज मार्क्स के अंदर आप मान सकते हो कि 52% के करीब आपका अगर आ रहा है, ठीक है, एंड एटलीस्ट अगर अपन टोटल परसेंटाइल बात करें तो आपके अगर 60+ आप हैं, 50+ आप हैं, मैं तो कहूंगा आप 40+ भी हैं तो भी आप अप्लाई कर दीजिए, आपका हो जाएगा। एंड आप बेस्ट गाइडेंस के लिए कि भैया हमको सभी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना, ठीक है, हमारे ठीक ठाक मार्क्स है या फिर हमारे काफ़ी लो मार्क्स है, हमारा होगा कि नहीं होगा किसी CUET के अंदर, क्या सारा सीन है, तो इसके लिए जो आप मेरा फ़ोन सपोर्ट प्लान या फिर काउंसलिंग सपोर्ट या फिर मिशन गारंटेड एडमिशन प्लान आप ले सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया। CUET से रिलेटेड एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो टू गेटिंग द CUET अपडेट। अब अपन चलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की वेबसाइट पर।
तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का कहना है कि भैया आपका जो एडमिशन्स है वो अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो यार आप कल तक का वेट कर सकते हो। पहले भी इसने एक नोटिस रिलीज किया है रिगार्डिंग द CUET कि आपका जो एडमिशन्स है वो टिल 20 तारीख तक रिलीज किया जाएगा। 20 तारीख तक जो है CUET राजस्थान के रिगार्डिंग सारा का सारा नोटिस वगैरह रिलीज कर दिया जाएगा। तो जस्ट आप कल शाम तक का वेट कर सकते हो। हो सकता है कल 20 को जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की तरफ से अपडेट आ जाए रिगार्डिंग द एडमिशन कि भैया कब यहाँ का एडमिशन स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि देख सकते हो वेबसाइट के ऊपर नोटिस शो कर रहा है द रजिस्ट्रेशन ऑफ एडमिशन इन 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम स्टार्ट शॉर्टली। अगर आप CU राजस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं बी टेक वगैरह कोर्सेज़ के अंदर, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो सॉरी उसके जो एडमिशन्स है वो JEE मेन से और जोसा और CSAB पोर्टल से कंडक्ट किया जाता है। दिस इज एन GFTI और एक सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज है, काफ़ी लश्करीन कैंपस है। राजस्थान के अजमेर के किशनगढ़ शहर के अंदर ये सिचुएटेड है, जहाँ से हमारे मिस्टर इंडियन हैकर भैया बिलोंग करते हैं, तो वही भी आपको वहीं पे मिलेंगे। तो यार राजस्थान के किशनगढ़ के अंदर आपको ये कॉलेज देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा शहर है, काफ़ी लंबा चौड़ा कैंपस है। राजस्थान वाले बच्चों के लिए यार काफ़ी अच्छा कॉलेज है। तो यार एडमिशन गाइडेंस के लिए आप मेरा प्लान ज्वाइन कर सकते हो। साथ में आपको जो है 24 आवर्स कॉल सुविधा अवेलेबल होती है, साथ में आपका एडमिशन भी कराया जाता है जितने भी कॉलेजेज में आवश्यक होता है। और सभी कॉलेजों की एनालिसिस हम रोज़ करते हैं कि किसका एडमिशन ओपन हुआ है किसका नहीं हुआ है। तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और जस्ट लाइक प्लान भी आप ले सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट हो या फिर आपको अगर एडमिशन चाहिए तो, वरना आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। अब यह कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कॉलेजों का क्या प्रोसेस रहेगा, कितना सारा फीस लगेगा, सारी की सारी आपको अपडेट दी जाती है इन द गाइडेंस प्लान। हमारी टीम 24 आवर्स से लगी हुई है, काफ़ी सारे बच्चों ने रजिस्टर भी किया, तो आप भी कर सकते हो और अपने जस्ट लाइक एडमिशन की एक नई राह की और आप भी पहुंच सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, खूब पढ़ते रहो, धन्यवाद।